जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे शहर चित्तौड़ में ओरा का शोरूम खुल चुका है। ये ओरा इलेक्ट्रिक के स्कूटर आते हैं। ओरा का नाम काफी टाइम से मैंने सुना है, भिलवाड़ा में इसका शोरूम भी था, पर रिसेंटली हाल में इसका चित्तौड़ शहर में इसका शोरूम खुल चुका है। तो ये ओरा इलेक्ट्रिक है, काफी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं। शोरूम की लोकेशन है आपका नई पुलिया रोड पर, पर्ल हॉस्पिटल से पहले आप आएंगे तो आपको यह शोरूम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम शोरूम विजिट करते हैं और उसके बाद जैसा कि हम करते हैं प्री प्लान टेस्टिंग हमारे किले पे इसको ले जाएंगे और बाकी पूरा वीडियो हम वहीं पे जाके शूट करने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम आपको शोरूम अंदर जाके दिखा देते हैं कि शोरूम में आपको क्या क्या कलर्स और क्या क्या स्कूटर्स मिल रहे हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ शोरूम के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे स्कूटर्स खड़े हैं और एक बार शोरूम हम पूरा विजिट कर लेते हैं। शोरूम में यहाँ पे भी स्कूटर्स पड़े हैं, वहां पे काफी बड़े स्कूटर मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी टेस्ट राइड वगैरह हम सब कुछ डिटेलिंग रिव्यू आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब इसको एक मॉडल को हम शोरूम से नीचे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, शोरूम से स्कूटर को हम बाहर लेकर आ चुके हैं और ये हमारे किले का रोड आप देख सकते हैं, ये चढ़ाव है और सामने उस तरफ देखेंगे वहां से आपका ये घाट सेक्शन वाला रोड वहां पे आपको दिख रहा होगा। तो हम 3 पिलियन आज टेस्टिंग करने वाले हैं। एक्चुअली हम 4 पिलियन टेस्टिंग करने वाले थे, पर थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, इसमें 3 पिलियन आराम से बैठ सकते हैं, पर हमने ऐसा अरेंजमेंट करा है पिलियंस का कि ये 3 पिलियंस 4 पिलियंस के बराबर है, मतलब वेट यहाँ पे हमने मैनेजमेंट कर लिया है। तो हम उस गाड़ी से स्पॉट करेंगे इसको पीछे से और ये किस तरह चढ़ती है, किस तरह ये आपको परफॉर्मेंस देती है, वो पूरा एक हम आपको क्लिप बताने वाले हैं। तो करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। ये हमारा किले का घाट सेक्शन है और पूरा किला हम भी आपको आज घुमाने वाले हैं। काफ़ी तेज यहाँ पे 3 पिलियन के साथ ये यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। हम आगे इलेक्ट्रिक स्कूटर से इसे फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो भी ओरा का ही है और ये भी 3 ईयर ओल्ड वाला है। ये देखें आप, पेट्रोल गाड़ी भी यहाँ पे जो चल रही है तो उन्हें भी गियर यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घाट सेक्शन है। देखिए ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है और यहाँ भी काफ़ी गियर यहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ जा रही है बिना स्ट्रगल करे हुए। ये देखिए पीछे से ये आ रही है बिना स्ट्रगल करे, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे चढ़ रही है। ये एक्चुअली बड़ा स्कूटर आता है, टायर इसके 12 इंच के हैं और काफ़ी हैवी स्कूटर आता है, तो यहाँ पे आपको पुराने स्कूटर जो LML के आते थे वो वाला यहाँ पे फील आएगा। सीट में भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, जो क्लियंस हमारे बैठे हैं वो आपको बाद में फीडबैक देंगे कि उन्हें इस राइड में कैसा मज़ा आया, तो उनका भी एक हम फीडबैक वहाँ ऊपर जाकर ले लेंगे। अभी हम हाफ आए हैं वो देख रहे हैं आप, किले की हमारी दीवार है, जैसा कि हमेशा हम चढ़ते हैं वो हमारा यहाँ पे सेकंड गेट भी आ चुका है और हम आगे वाली गाड़ी से इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास भी ओरा का ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बाकी ये 3.5 स्कूटर है। ये आ गया है हमारा हनुमान 4 और वो हमारा स्कूटर वहाँ पीछे से आ रहा है। ओराई LI को हम 3 पिलियन के साथ में इसे हम पावरफुल स्पीड के साथ में इसे हमारे किले के ऊपर हम लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे वाला हमारा किले का पोर्शन है, आपको दिखाया था यहाँ से व्यू आप देखें। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे व्यू का ही मजा आता है। जब भी हम कोई नया EV हमारे शहर में आता है तो हम उसे हिल टेस्टिंग करने के लिए हमारे चित्तौड़ शहर के किले पे हम लेके आते हैं। वापस से हम आ जाते हैं हमारे स्कूटर के पास में, आप देखेंगे काफी गुड लुकिंग ये स्कूटर है, ओरा का है, LI है।
ये हाई सेगमेंट के स्कूटर्स आते हैं, अगर टायर साइज की बात करूं मैं तो काफी बड़ा इसका टायर साइज आता है, यानी कि 12 इंच का इसका टायर साइज आता है, बट थोड़ा सा वाइडर आता है। अगर मैं फ्रंट से आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा ये वाइडर आपको यहाँ से दिख रहा है, टायर आपके ट्यूबलेस होने वाले हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक आ रहा है, डिस्क ब्रेक काफी पावरफुल है। रियर टायर भी आपको मैं दिखाता हूँ, सेम आपको रियर टायर मिलने वाला है, ये यहाँ पे आपका रियर टायर यहाँ पे फिटेड है, रियर टायर भी आपका सेम 12 इंच का आने वाला है, ट्यूबलेस आने वाला है, और यहाँ पे आपकी BLDC वाली हब मोटर यहाँ पे फिटेड है। मोटर की जो वोल्टेज है वो 3000 यानी कि 3000 वाट की आपको मोटर मिलती है। आपको मैं इस तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, अगर आप दोनों की ब्रेकिंग साथ में लगाते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर ब्रेक लगते हैं। लेंथ और विड्थ में काफी ये बड़ा है, आप देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफी अच्छा है, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बाकी हम इसे 3 प्लेन लाए, किसी भी स्पीड ब्रेकर पे कहीं भी ये टच नहीं हुआ, और इसको फ्रंट में भी आपको काफी अच्छी जगह यहाँ पे मिल जाती है, और 10 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। आप यहाँ देखेंगे आपको फ्रंट में भी यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ पे बोतल वगैरह रख सकते हैं। इसको डिक्की को जैसे मैं खोला फ्रंट वाली को, मुझे पुराने जो LML के स्कूटर्स आते थे उसकी याद आज आ गई है, वाकई में काफी बड़ा स्कूटर्स है ये। इसमें आपको बॉडी लाइन में बात करें तो ये एसेसरी अलग से एक्स्ट्रा में फिट है, बाकी ये यहाँ से कंपनी से फुटेड आता है, लेडीज फुटरेस्ट और दो आपको यहाँ पे फुटरेस्ट आते हैं, ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है, अगर आप यहाँ पैर रखते हैं तो ये बाहर आ जाता है, और बाकी ऑटोमेटिक ये आपका फोल्ड ही यहाँ पे रहता है। हम फ्रंट से इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके रेट्रो वाले लुक की, तो मैं आपको यहाँ से इसका फ्रंट से इसका थोड़ा लुक दिखा देता हूँ। इसमें ये आपकी पार्किंग लाइट हो गई और ये आपकी लाइट है, काफी ब्राइट लाइट है, LED के साथ में आता है, और इसके ये जो टर्न वाले सिग्नल है, बिल्कुल आप फ्रंट देखेंगे आपको LML के जो स्कूटर्स आते थे रेट्रो लुक वाले वो यहाँ पे सेम उसकी याद दिलाता है। आप एक बार उसको पूरा सा आप देखें, काफी गुड लुकिंग और काफी हाइटेड स्कूटर है। अब मैं इसको आपको बैठ के दिखाता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से आपका है, अगर आप इसे बैठते हैं इस तरह से तो आपको सामने से दिखाता हूँ, तो आपके पैर काफी कंफर्ट रहते हैं, आगे काफी जगह है, और आप इस तरह से कुछ यहाँ पर आपकी लुकिंग रहती है। सीट की बात करूं मैं तो सीट इतनी कंफर्ट, मतलब आप जो स्कूटर्स में आते थे वही है, और काफी कुशनिंग है, मतलब कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे काम करा है। 3 प्लेन्स आप इसके आराम से ला सकते हैं, यहाँ पे हेडरेस्ट भी जो सॉरी बैकरेस्ट जो दिया हुआ है ये भी काफी कंपनी से फिटेड आता है, और यहाँ पे भी ओरा की बैचिंग यहाँ पर कंपनी से यहाँ पे दिखती है। खास बात है इसकी मोटर और बैटरी, मोटर आपकी है 3000 वाट की जो आपको काफी पावरफुल पिकअप मिलता है। अभी हम टेस्ट राइड में इसका पिकअप हम टेस्ट करेंगे, इसमें 4 मोड है तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फटाफट से सीट ओपन करके दिखा देता हूँ, सीट ओपन आपको यहीं से करना है एंटी क्लॉक वाइज, सीट आपकी यहाँ से होगी चाबी से, ये आपकी बुकलेट आती है, इसमें मिरर आते हैं और ये कुछ टूल्स आता है, और यहाँ पे आपकी ये बैटरी है, बैटरी आपकी 72 वाट की है और 43 Ah की है, यानी कि अगर बात करूं मैं इसे किलोमीटर पे एक बार चार्जिंग पे आपको ये 130 किलोमीटर चल जाएगा इकोनॉमिक मोड में। अब मैं यहाँ पे MCB बंद करता हूँ, और ये यहाँ पे इसकी जो सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट को नॉर्मली मैं खींचता हूँ यहाँ से तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, काफी हेवी लगा हुआ है। बैटरी रिमूवल है, आप किसी भी कंडीशन में बाहर निकाल के इसको चार्ज कर सकते हैं, बैटरी काफी बड़ी है, आपको बैटरी यहाँ से दिखाता हूँ, ये बैटरी है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बैटरी है यहाँ पे, आपको इसमें सॉकेट भी दे रखा है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसको आपको चार्जिंग करना है, ये सॉकेट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसको चार्ज करना है, आप मतलब बैटरी रिमूवल है, आप इसे कहीं भी ले सकते हैं, अगर आप मल्टी में कहीं रहते हैं बड़ी सिटी में कहीं रहते हैं तो चार्जिंग करने में आपको दिक्कत आती है, तो आप इजी गोइंग उसे लिफ्ट में ले जाकर आराम से रहता है। तो इसका वेट भी नहीं है, बाकी बैटरी लिथियम आयन की है, बैटरी काफी पावरफुल है, वोल्टेज मैंने आपको बता दी है 72 वॉट्स और 43 Ah की आपकी ये बैटरी है। तो अगेन वापस से मैं बैटरी यहाँ पे लगा देता हूँ इनसाइड में, और काफी अच्छा यहाँ पे कंपार्टमेंट लगा हुआ है, और काफी अच्छी इसमें कुशनिंग दे रखी है, बैटरी आपकी बिल्कुल यहाँ पे फिट रहती है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपकी बैटरी यहाँ पे हेल्थी नहीं है। फटाफट से मैं इसको लगा देता हूँ, काफी ईजी है ये, मैंने कर लिया, मतलब आप भी कर लेंगे, वापस से MCB ऑन कर लेते हैं और आपकी ये बकेट हम यहाँ से बंद कर देते हैं। सीट की कुशनिंग काफी अच्छी है, काफी अच्छा यहाँ पे सीट की कुशनिंग है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी फटाफट से टेस्ट साइड करते हैं, बाकी बातें हम बाद में आकर यहाँ पे करते हैं। देख सकते हैं आप सामने मेरे खड़ा हुआ है ये ओरा LI, इसकी टेस्ट साइड आज मैं लेने वाला हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हाइटेड है, आज मजा आने वाला है। देखिए बैठ तो जाऊँ पर 5.7 मेरी हाइट है, पर आप देखें कितना हाइटेड स्कूटर है। पार्किंग मोड में खड़ा है तो पार्किंग मोड हटाने के लिए आपको जस्ट एक स्विच यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तो ये पार्किंग मोड हट जाएगा।
इसमें एक अच्छा फीचर्स भी ऑटो पार्किंग मोड भी, अगर आप कहीं खड़े हैं चाबी ऑन करके तो ये ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चला जाता है, ये भी इसका एक अच्छा सा मुझे फीचर लगा। देख सकते हैं अभी ये फिलहाल सेकंड में खड़ा है, कुछ टाइम रुकने के बाद ऑटोमेटिक ये पार्किंग देखिए आ गई, ये पार्किंग पे आ गया, ये देखिए पी आ गया लिखा हुआ, ऑटोमेटिक पार्किंग पे आता है, डैशबोर्ड आपका चलता रहेगा बाकी ये पार्किंग पे आ जाता है, ये मुझे थोड़ा सा इसका स्पेशल फीचर्स लगा। फिलहाल ये फर्स्ट मोड में है तो चलते हैं, शायद अगर स्पीड अगर तेज़ हो तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी, काफ़ी तेज़ पिकअप है इसका। और ये स्विचिंग वाले से हमने स्विच यहाँ पे चेंज करा और ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे फोर गियर अप्लाई कर लिया। अब देखें आप इसका पिकअप, इसमें आपको रीजनरेटिंग पावर सिस्टम मिलता है, अगर आप इसमें ब्रेक मारते हैं तो आपकी बैटरी यहाँ पर चार्ज होती है, ये भी अच्छा एक फीचर्स मुझे यहाँ पर लगा। और काफी यहाँ से ऊंचा फील होता है, काफी हाइटेड स्कूटर है आप देख सकते हैं, और राइडिंग कंफर्ट तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसे एक बार टेस्ट राइड ले लेंगे तो आप इसे यकीनन खरीदने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं कीर्ति स्तंभ पर और ये हमारा स्कूटर यहाँ पर है, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, और मोड हमने फोर ही अप्लाई कर रखा है ताकि आगे हमें उससे और भी पिकअप्स लेके तेज चलाना है, थोड़ा सा ट्रैफिक आज यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट मोड में ये आपको 38 जाता है, बाकी फोर्थ आप यहाँ पे अप्लाई करें। एक बार और हम इसकी टॉप स्पीड यहाँ से चेक करने वाले हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जीरो पे आ चुका है और ये हमने यहाँ पे पिकअप लिया, आप देख सकते हैं इसका पिकअप, सामने ट्रैफिक से आपको अंदाज लग गया होगा कितना तेज यहाँ पर पिकअप इसका चल रहा है। ये देखिए इसका पिकअप, ये इसकी स्पीड 62, ब्रेक भी डबल डिस्क ब्रेक होने से अच्छी खासी इसमें कंट्रोलिंग है, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए ब्रेक किसका साउंड, ये है साउंड इसका ब्रेक का, और ये आ रही है सामने से इनोवा, और ये वापस से हम इससे ऑफ रोडिंग करें और वापस से ऊपर आ गए हैं। नीचे इसमें यहाँ ब्लॉक लगे हुए हैं तो ये हमने ऑफ रोडिंग भी करा इसको, ये देखिए ऑफ रोड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, और काफ़ी तेज पिकअप है इसका। ये देखिए अगेन वापस से रोड पे आ चुके हैं और वो हमारा पिकअप, ये देखिए 69 इसकी टॉप स्पीड है, आप देख सकते हैं 65। टेस्ट साइड में ले चुका हूँ, मतलब आप देखें अभी तक मैंने शायद 50 से 60 वीडियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बना दिए हैं, ये पहला स्कूटर मुझे ऐसा लगा जिसका पिकअप काफी फास्ट है। रीजन है इसकी मोटर और बैटरी, इसकी मोटर 3000 वाट की है तो काफी आपको पावर पिकअप यहाँ पर देगी, और सीटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि आपको फील नहीं होता कि आप इलेक्ट्रिक को चला रहे हैं। यकीन करिए अगर आप इसकी टेस्ट राइड लेने के शोरूम पे जाते हैं तो आप इसे लेकर ही आएंगे, बट थोड़ी सी दिक्कत यह है कि काफी हाइटेड है, लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर करें, हमारा काम है आपको सही चीज बताना, मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत चीज नहीं बताऊंगा कि अच्छा है अच्छा है, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा काफी हाइटेड है। जैसे मैं इसको स्टैंड से उतारता हूँ, मान लो ये देखिए मेरी हाइट 5.7 है और मेरे पांव ठीक ठीक टिक पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर आपकी हाइट 5.5 के ऊपर है तो ये आप इसे चला सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। टेस्ट साइड का एक्सपीरियंस तो आप देख ही चुके हैं किस तरह से मेरा टेस्ट साइड का एक्सपीरियंस रहा, वापस से मैं इसे स्टैंड लगा के आपको फ्रंट में कुछ दिखाता हूँ, उसका डैशबोर्ड किस तरह का है, सिंपल साइड स्टैंड लगा के आपको दिखाता हूँ, उसका डैशबोर्ड पे आप एक बार नजर डालेंगे, सिंपल डैशबोर्ड है, पार्किंग मोड में आपका एक खड़ा रहता है, पार्किंग मोड हटाने के लिए आपको यहाँ पे स्विच दे रखा है, आप स्विच को प्रेस करेंगे तो पार्किंग मोड हट जाएगा, यहाँ पे लाइटिंग के स्विच दे रखे हैं, ये आपका पार्किंग लाइट है, फुल लाइट है, यहाँ पे लाइट भी आपकी शो होगी, रेडी भी होंगे, आप चार मोड भी दिए हुए हैं आप स्पीड कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है SM मतलब स्विचिंग अप मोड, आप यहाँ पे चेंज करेंगे, देखिए 1, 2, 3 आपके यहाँ पे मोड भी यहाँ पे चेंज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बैटरी का साइन भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बैटरी आपको यहाँ पे अभी हमारी 75% चार्ज है, आप मैं यहाँ पे सेल से अंदाजा लगा रहा हूँ, एक सेल हमारा डाउन हुआ, इसमें चार सेल आपको यहाँ दिख रहे हैं, अपर डिपर के स्विचिंग यहाँ पर है, इंडिकेटर के स्विचिंग यहाँ पर है, और होर्न है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग का बटन भी है, मान लो कुछ इसमें कुछ एक्सेलेटर वायर कभी टूट जाता है किसी इन कंडीशन पर, आप इसको दबा के शोरूम तक ले सकते हैं। आप मैं आपको बताता हूँ उसके लीवर काफी हैवी है, आप देख सकते हैं लीवर काफी हैवी और यहाँ पे ग्रिपिंग वाइज भी आते हैं, इसमें यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन नहीं है, रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन कंपनी ने इसलिए नहीं दिया, रिवर्स का जो ऑप्शन लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ अटैचमेंट लगाना पड़ता है और वो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब लगता नहीं कि कंपनी से फिट आया बाकी रहता है, कंपनी से बाकी एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नीट एंड क्लीन
फिनिश इसको बनाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर रिवर्स मोड नहीं दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूटर काफी हैवी है, वजन की बात भी करूं तो काफी इसका हैवी वजन है, और पेलोड क्षमता की बात करूं मैं इसकी तो कंपनी रिकमेंड 150 kg है, बाकी हम इसे 250 kg मतलब 250 kg हम इसे चढ़ा के हमारे किले पे लाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से इसकी बैटरी की वारंटी, मोटर की वारंटी की। तो इसमें सभी पार्ट्स पे आपको 3 ईयर की वारंटी मिलने वाली है, डेट टू डेट आपको वारंटी मिलने वाली है। प्राइसिंग इसकी हमारे शहर में चित्तौड़गढ़ में 1,16,000 रुपए के आसपास है, 10,000-11,000 सब्सिडी आप मान लें तो लगभग आपको ये 1,05,000 रुपए का पड़ने वाला है। 1,05,000 रुपए इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी इसमें मजा आएगा, क्योंकि ये स्कूटर का जो सेगमेंट है ये अलग सेगमेंट है, ये हाई स्पीड स्कूटर है, आरटीओ वाला स्कूटर है, मतलब ये एक्चुअली सेगमेंट ही अलग है। अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको काफी अच्छा फील आएगा। अगर आपका ओरा का शोरूम अगर आपके शहर में भी है तो आप एक बार इसकी टेस्ट राइड जाके जरूर लें। और हमारे शहर चित्तौड़ में अभी इसका रिसेंटली ही शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है, तो शोरूम की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि हमारा काम है नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको यहाँ पर बताना। तो ये एक और काम मैंने आपको बना के बताया, इसमें काफी सारे कलर भी आपको मिल जाते हैं, 5 to 6 कलर आपको मिल जाएंगे। शोरूम पे वो कलर खड़े थे, मैं आपको वहाँ शोरूम पे दिखा था। एक्चुअली हमें यहाँ पे लोकेशन ये लेनी थी, किले की लोकेशन काफी अच्छी है तो हमें ये लोकेशन भी लेनी थी और टेस्टिंग भी, क्योंकि हम हर नए ईवी की टेस्टिंग किले पे चढ़ा कर करते हैं, ये काफी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा। मैंने आपको बताया ना, मैंने 50-60 ईवी के वीडियो बनाए हैं, सबसे फास्ट पिकअप मुझे अभी तक इसका ये लगा, क्योंकि मैं छोटे शहर में तो सबसे टॉप स्पीड में हमारे यहाँ पे ये ओरा एलआई का पहला स्कूटर है। फिलहाल इसके शोरूम थोड़ा दूर दूर थे, अब हमारे चित्तौड़ में शोरूम आ चुका है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यार एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के बताया आपको ओरा एलआई का, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना करें वो आपके ऊपर है, बाकी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।